मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर में हुई। कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए स्वीकृत राशि 14,700 करोड़ रुपए की वैधता एक साल बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक कर दी गई है और पंचायत और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण दिया जाएगा और पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दे दी गई है जो 1 नवंबर 2024 से प्रभावित होगी। राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू की जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है।